नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि लाइट सॉफ्टवेयर में रिपोर्ट कैसे चेक करते हैं, जैसे परचेस का रिपोर्ट, सेल का रिपोर्ट। ठीक है, सेल का रिपोर्ट चेक करने के लिए सबसे पहले आप रिपोर्ट में क्लिक करेंगे, देन आप जिसका रिपोर्ट आपको चेक करना है उस पर क्लिक करेंगे। जैसे अभी परचेस का रिपोर्ट चेक करना है हमें, परचेस में क्लिक किए, यहाँ पे देखिए पर्पस और मोड करके दो फील्ड हैं। सबसे पहले पर्पस में चार ऑप्शन मिलेंगे आपको, सप्लायर के नेम के हिसाब से अगर सर्च करना है तो, मोबाइल नंबर के हिसाब से, प्रोडक्ट नेम के हिसाब से और इनवॉइस नंबर के हिसाब से। ठीक है, जैसे अभी हम सप्लायर नेम के हिसाब से सर्च कर रहे हैं कि इस पार्टी का पूरा रिकॉर्ड हमको चेक करना है, सप्लायर नेम सेलेक्ट करेंगे। देन मोड में आपका सप्लायर का पूरा नेम लिस्ट आ जाएगा यहाँ पे, जैसे भारत हजारी का सेलेक्ट कर रहे हैं, है ना, शो करेंगे तो जितने भी उनके नाम से रिकॉर्ड रहेंगे, जितने भी उनके नाम से बिल बने रहेंगे, यहाँ पर डेट से डेट लिखा जाएगा, कितने से कितने डेट का रिकॉर्ड शो कर रहा है और उनका पूरा रिकॉर्ड यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही अगर आप पर्पस में अगर इनवॉइस नंबर सेलेक्ट करेंगे तो मोड में जितने भी इन बिल नंबर बने हुए रहेंगे, परचेज बिल, वो यहाँ पे आ जाएंगे। जैसे इनवॉइस नंबर सेलेक्ट किए तो एक ही बिल हमने ऐड किया तो यहाँ पे एक बिल आ गया, देन शो में क्लिक करेंगे तो उस बिल का डिटेल यहाँ पे आ जाएगा, किसके नाम से है, कितना प्रोडक्ट उस बिल में ऐड था, कितना टोटल अमाउंट बना था, कितना अमाउंट ड्यू है या फिर कितना अमाउंट पेड हो चुका है उसमें का। ठीक है, वैसे करके आप पूरा डिटेल सर्च कर सकते हैं। प्रोडक्ट नेम के हिसाब से सर्च करेंगे तो प्रोडक्ट का नाम यहाँ पे आ जाएगा, कौन कौन सा प्रोडक्ट परचेस हुआ था, ठीक है, और किसके नाम से हुआ। जैसे गुड्डे 15 रुपीज का सर्च कर रहे हैं तो गुड्डे 15 रुपीज किस बिल नंबर में था, 20 बिल नंबर में था, किसके नाम से था, भारत होसरी के नाम से, कितना अमाउंट था उस बिल का टोटल। ठीक है, ये पूरा आ जाएगा आपका। वैसे अगर डेट वाइज आपको सर्च करना है, जैसे 19 से 22 तारीख तक का डेट सेलेक्ट किया और उसके हिसाब से सर्च करेंगे तो 19 से 22 के बीच जितने भी बिल बने रहेंगे यहाँ पे लिस्ट डाउन होते जाएंगे। ठीक है, ऐसे करके आप एक एक करके परचेस का पूरा रिकॉर्ड देख सकते हैं। सेम आपका सेल का है कि सेल का आपको देखना है तो कस्टमर का नाम, मोबाइल नंबर, प्रोडक्ट नेम, इनवॉइस नंबर के हिसाब से। ठीक है, इनवॉइस नंबर के हिसाब से सर्च किए तो एक इनवॉइस नंबर पे गौरव नाम से बिल बना हुआ था तो उनका पूरा डिटेल यहाँ पे आ गया। वैसे करके आप कस्टमर का नाम जैसे टाइप करेंगे तो यहाँ पे जितने भी कस्टमर ऐड हैं सबका रिकॉर्ड आ जाएगा आपका। और जैसे जिसके रिकॉर्ड से बिल नहीं बना है तो यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद, जैसे फोन कर सकते नाम से कर रहा हूँ तो इसमें बिल हमने एक भी नहीं बनाया है तो यहाँ पे ये वाला मैसेज आएगा, रिकॉर्ड नॉट एग्जिस्ट इन डाटाबेस करके। ठीक है, देन आप डेट के हिसाब से भी सर्च कर सकते हैं। बाकी रिपोर्ट्स का भी सेम फॉर्म है, जैसे सेल रिटर्न का हम लोग सर्च करना है तो पर्पस में कस्टमर नेम, मोबाइल नंबर, इनवॉइस नंबर के हिसाब से या फिर डेट के हिसाब से आप सर्च कर सकते हैं। सेम आपका परचेस रिटर्न का है, डैमेज का है, सेल ऑर्डर, परचेस ऑर्डर, मैनेजर, ये सब का सेम फॉर्म है आपका। सैलरी रिपोर्ट में आप देखेंगे जैसे एम्प्लॉय का आप ऐड करेंगे तो एम्प्लॉय का रिकॉर्ड या कितना उनको सैलरी दिए हैं, जैसे जितने भी एम्प्लॉय ऐड रहेंगे यहाँ पे लिस्ट डाउन होते जाएंगे उनका। आप मंथ ईयर कौन से ईयर का है, कौन से मंथ का आप सर्च कर सकते हैं, कौन से ईयर का है आप शो करेंगे तो उनका पूरा रिकॉर्ड यहाँ पे आ जाएगा। वैसे ही आपका नॉर्मल पे का जो पे किए हैं या फिर रिसीव किए हैं उनका रिकॉर्ड पूरा आएगा आपका।